आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से यार टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 686 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो जो ग्रीन कलर की नीक लाइन देख रहे हैं 655 रुपीज पर स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज देखने को मिल रही थी। काफी समय से स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, पर जब स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेकआउट दिया तो ऊपर में स्टॉक ने हाई बनाया था 700 रुपीज का। ऊपरी लेवल पर फिर से एक करेक्शन देखने को मिलती है और जो स्टॉक में सपोर्ट लेवल था 655 रुपीज पर स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेक डाउन किया और फिर स्टॉक इस प्राइस को काफी समय से ब्रेकआउट नहीं दे रहा था। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिलती है और स्टॉक नीचे में 600 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है। 600 रुपीज पर भी स्टॉक ने पहले भी बॉटम बना रखा था और फिर से स्टॉक इस प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद निचले लेवल पर काफी बड़ी रिकवरी देखने को मिलती है। पर आप इस स्टॉक के अंदर जो ग्रीन कलर के नेक लाइन देख रहे हैं इस पॉइंट पर अब सपोर्ट लेवल है स्टॉक के अंदर एक फ्रेश। ऊपर में जो रुकावट रेंज देखने को मिलेगा जो स्टॉक में पहले हाई था 697 रुपीज, लगभग 700 रुपीज के पास स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिया से तो नीचे में 655 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर के टारगेट अराउंड 750 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर स्टॉक नीचे में 670 रुपीज शॉर्ट टर्म में सपोर्ट लेवल है जिस प्राइस के पास स्टॉक काफी समय तक कंसोलिडेट भी करता है, अगर स्टॉक इस प्राइस को ब्रेक डाउन करता है तो स्टॉक नीचे में 655 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट कर सकता है। इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाएं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।